दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्यो केयर रुड़की के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक समस्या और उसका होम्योपैथिक सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूं और उस समस्या का नाम है फिसर इन एनस, जिसको हम फिसर इन एनो बोलते हैं। फिसर का मतलब कि दरार पड़ जाना, यानी कि कट लग जाना। लेटिन के रास्ते में कट लग जाते हैं जिसकी वजह से दर्द होता है, खुजली आती है और ब्लीडिंग होती है। दोस्तों जिन लोगों को पुरानी कब्ज रहती है उन लोगों को फिसर इन एनस की समस्या बहुत कॉमन सी हो जाती है, बहुत आम हो जाती है। लेकिन जब इंसान इस परेशानी से जूझता है तो वो इधर उधर के चक्कर बहुत काटता है। आखिरकार में उसको बोल दिया जाता है कि आपकी सर्जरी होगी और हम ऑपरेशन करके इसको ठीक करेंगे। लेकिन दोस्तों मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि जिन लोगों की सर्जरी भी हो चुकी है उनको फिर से फिसर बन जाते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन का कंपोजिशन बनाइए और अपने फिसर को हमेशा के लिए ठीक कीजिए। चार होम्योपैथिक दवाइयां मैं आपको बताने जा रहा हूं और चारों को कैसे लेना है वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। और कम से कम 3 से 4 महीने आपको ये दवाइयाँ लेनी हैं। आप देखेंगे कि आपका फिसर जो कि एनस में था, जिसको हम फिसर इन एनो बोलते हैं या फिसर इन एनस बोलते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबसे पहली जो दवाई है दोस्तों इसमें वो है थूजा ऑक्सीडेंटलिस 30 पोटेंसी की। दूसरी दवाई है दोस्तों इसमें एसिड नाइट्रिकम 30 पोटेंसी की। और तीसरी दवाई है दोस्तों इसमें काली आयोडेटम 30 पोटेंसी की। दोस्तों तीनों दवाई आपने जर्मन की लेनी है, 30 पोटेंसी की लेनी है और तीनों की तीन तीन बूंदें इकट्ठे 1 कप ताजे पानी में आपको सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी खाना खाने से पहले लेनी है, दिन में 3 बार। और दोस्तों जो चौथी दवाई है वो है गन पाउडर 3x पोटेंसी में, ये भी आपको जर्मन का लेना है। इसकी 2-2 गोली दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आप लेंगे। और जो पहले मैंने आपको 3 दवाइयाँ बताई हैं उनको आप खाना खाने से पहले लेंगे इकट्ठे एक जगह मिक्स करके 1 कप ताजे पानी में। पहली दवाई दोस्तों फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ, थूजा ऑक्सीडेंटलिस 30 पोटेंसी की। सेकंड मेडिसिन एसिड नाइट्रिकम 30 पोटेंसी और थर्ड मेडिसिन काली आयोडेटम 30 पोटेंसी। और चौथी दवाई है दोस्तों गन पाउडर 3x, उसको खाने के बाद में लेना है 2-2 गोली। और बाकी जो ऊपर की 3 मेडिसिन हैं डाइल्यूशन में, उनकी 3-3 बूंदें 1 कप ताजे पानी में खाना खाने से पहले सुबह, दोपहर, शाम लेनी है आपको। दोस्तों ये दवाइयाँ आप 3 महीने लें, आपको दूसरे हफ्ते में असर दिखना शुरू हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि इन दवाइयों से जो आपका फिसर इन एनस है वो 100% ठीक हो जाएगा। और इनमें दोस्तों एक दवाई जो काली आयोडेटम है वो हम इस्तेमाल करते हैं जब छोटे बच्चों को फिसर हो जाते हैं, जो माँ का दूध पीते हैं या जो 6-7-8 महीने के होते हैं, जिनको हम इन्फेंट्स का नाम देते हैं, उसमें अगर बच्चों को फिसर हो जाए तो काली आयोडेटम 1-1 बूंद सुबह शाम उस बच्चे को दीजिए 1 चम्मच ताजे पानी में, उस बच्चे के भी फिसर ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।